चलो देखो आप, तो हीट पावर जब फेज चेंज हो रहा हो तो हीट पावर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एल डीएम बाई डीटी, और जब फेज चेंज नहीं हो रहा होगा तो तब फॉर्मूला लगाएंगे हम एम एस डीटी बाई डीटी। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं, एक दो सवाल और हैं इनको भी कर लेते हैं। सर एक मिनट, सर लिखना बाकी है? अभी तक लिखा नहीं। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो। 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कैप्ड इन अ कैलोरी मीटर, कैप इन अ कैलोरी मीटर, कैप इन अ कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर क्या होता है? वो एक डिवाइस, एक तरह का वेसल होता है जिसके अंदर हम लोग उसको हीट को गर्म करते हैं, ठीक है, बॉडी को। कैप इन अ कैलोरी मीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम, इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है 10 ग्राम है। हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड, हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड, शुड बी सप्लाइड टू इवेपोरेट to evaporate the water in calorie। तो हमें कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी कि जो पूरी जो आइस है उसको मैं इवेपोरेट कर दूं, किसमें? स्टीम में। तो मुझे कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी निकालना है। कैलोरी मीटर क्या होता है? जो बीकर है, जिस बीकर के अंदर रखा हुआ है उस बीकर को हम लोग बोलते हैं कैलोरी मीटर, और इसका वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है कितना? 10 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट मैंने बता चुका हूं आप लोगों को क्या होता है, इसके अंदर आइस रखी हुई है और आइस का मास भी दे रखा है कितना? 10 ग्राम। तो इसको कितनी हीट दूं मैं कि जितनी भी आइस है वो सब इवेपोरेट हो जाए? कैसे करेंगे? तो इसके अंदर आइस है और आइस का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस दे रखी है। अच्छा, ये जो बीकर है या कैलोरी मीटर बोलता हूं, इस कैलोरी मीटर का टेम्परेचर कितना होगा इस समय? इस कैलोरी मीटर का टेम्परेचर भी क्या 0 डिग्री सेल्सियस होगा? जितना आइस का है उतना ही इस बर्तन का भी होगा। यस सर। तो जब मैं हीट दूंगा इसको, जब मैं इसको हीट दूंगा नीचे से, तो पहले तो हीट ये लेगा ना बीकर, और फिर वो ट्रांसफर करेगा किसको? आइस को। तो जब पानी इसके अंदर का, जो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या इस कैलोरी मीटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा? उसका टेम्परेचर जीरो ही रहेगा? नहीं सर, कैलोरी मीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा ना। बढ़ेगा कि कहां से कहां तक? मान लो इसका टेम्परेचर हो गया, पानी बन गया ये पूरा अंदर का, वाटर बन गया, और वाटर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो ये जो कैलोरी मीटर है, इस कैलोरी मीटर का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। फिर वाटर इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा। तो कैलोरी मीटर का टेम्परेचर कहां से कहां तक रेज करा? 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। 10 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि 10 ग्राम को जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उतनी हीट इसको 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस आने में पड़ेगा। तो आपकी जो टोटल हीट होगी Q बराबर, वो क्या होगा? सबसे पहले तो इसका फेज चेंज होगा MLF। MLF क्या बोला आपने? हाँ सर, लास्ट लाइन आपने वाटर इक्विवेलेंट के बारे में कुछ बोला ना। वाटर इक्विवेलेंट के बारे में बोला कि जितना इसका 10 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, मतलब 10 ग्राम वाटर को
जीरो डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस आने में जो हीट लगेगी वही हीट ये कैलोरीमीटर भी लेगा सर, तो वो भी ऐड करना है? वो भी ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले तो इसका फेज चेंज होगा 0 डिग्री सेल्सियस से, तो 10 ग्राम मास से, और फेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है 80, तो 10 प्लस 80 प्लस जो अभी वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर का टेम्परेचर एमएस डेल्टा टी लगेगा फॉर्मूला, एमएस डेल्टा टी। एम कितना है 10 ग्राम, एस कितना है 1, डेल्टा टी कितना है 100 प्लस, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, 10 ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी वेपराइजेशन 540। ये तो चाहिए किसको, वाटर को। ये चीज समझ में आई, ये तो सिर्फ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस कैलोरी मीटर ने जो हीट एब्जॉर्ब करी वो भी आएगा। तो कैलोरी मीटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, 10 ग्राम का वाटर इक्विवेलेंट है, एमएस डेल्टा टी स्पेसिफिक 100, ये किसकी हीट है, ये 4 कैलोरी मीटर होगा, 4 कैलोरी मीटर लिख देना यहाँ पे। तो क्या आंसर आएगा, 800 सर, 8.1 1000 5400 प्लस 1000 8200 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ी। आया समझ में, किसी को कोई डाउट है? नो सर। किसी को कोई डाउट है? लेकिन ये बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो, हीट इज बीइंग सप्लाइड, हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट रेट, एट कॉन्स्टेंट रेट टू अ स्फीयर ऑफ आइस, टू अ स्फीयर ऑफ आइस, टू अ स्फीयर ऑफ आइस मेल्टिंग एट 0.1 ग्राम पर सेकेंड, मेल्टिंग एट 0.1 ग्राम पर सेकेंड, जो आइस है वो 0.1 ग्राम पर सेकेंड से मेल्ट कर रही है, ठीक है, उसको हीट दे रहे। इफ इट मेल्ट कंप्लीटली इन 100 सेकेंड, इफ इट मेल्ट कंप्लीटली इन 100 सेकेंड, फाइंड राइज इन टेम्परेचर, फाइंड द रेट ऑफ टेम्परेचर राइज, फाइंड द रेट ऑफ टेम्परेचर राइज आफ्टर मेल्टिंग। मेल्ट होने के बाद जो पानी बनेगा उस पानी का टेम्परेचर किस रेट से राइज करेगा वो फाइंड करना है हम लोगों को। इसमें शायद हमको ऑप्शन भी दे रखे हैं, 0.4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, 0.6, ऑप्शन भी है आपको 0.4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ऑप्शन बी 0.6 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1.2 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डी 0.8 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सवाल है कैसे करा जाए। एक स्फीयर है आइस का,
उसको हम लोग हीट दे रहे हैं और वो जो मेल्ट हो रही है 0.1 ग्राम पर सेकंड से मेल्ट हो रही है और वो 100 सेकंड में कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद उसका रेट ऑफ जो टेम्परेचर राइज होगा उसको रेट क्या होगी, ठीक है कैसे करेंगे देखो सर हम सॉल्व करें एक बार। चलो पहले एक बार ट्राई कर लो आप लोग, ठीक है। तो मान लो आइस का स्फीयर है, इसको हीट दे रहे हैं हम लोग, हीट पावर दे रहे हैं, ठीक है। कितने सेकंड में मेल्ट हो रही है? 100 सेकंड में, और मैंने बोला 0.1 ग्राम पर सेकंड, तो कितनी हीट हुई? क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी क्यू नहीं मास निकल जाएगा आपका सर, पहले मास कितना हो जाएगा 10, 0.1 ग्राम एक सेकंड में मेल्ट हो रहा है और 100 सेकंड में कंप्लीटली मेल्ट हो रहा है, तो 0.1 × 100 ये मास निकल जाएगा, तो 10 ग्राम आपके पास आइस थी, ठीक है। अब इसको हम लोग हीट दे रहे हैं कॉन्स्टेंट रेट से, इसका फेज चेंज हो रहा है, तो यहां से dQ/dt निकाल लेते हैं। dQ/dt इक्वल टू होता है mLF, ये होता है यस सर। मास कितना है 10, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है 80, तो यहां से आ जाएगा 800, रुको मैंने कुछ गलती कर रहा हूं सर, मैंने तो ऐसे ही किया था। हाँ LF dm/dt ये होता है ना हीट पावर। हाँ सर, यहां से हीट पावर निकाल लो, हीट पावर तो dQ/dt LF की वैल्यू कितनी होती है 80, dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास That is 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम मतलब 8 कैलोरी पर सेकेंड, ठीक है कैलोरी में, क्योंकि ग्राम में दे रखा है तो कैलोरी में आएगा, तो 8 कैलोरी पर सेकेंड इसको हीट दे रहे हैं हम लोग। यस सर, ठीक है। अब जब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद कितना वाटर है आपके पास? 10 ग्राम वाटर है, मान लो पूरा मेल्ट हो गया। अब इसको हीट दे रहा हूं, हीट पावर कितनी है 8 कैलोरी पर सेकंड से हीट दे रहा हूं इसको, और पानी कितना आपके पास 10 ग्राम, तो इसका टेम्परेचर किस रेट से राइज होगा? तो dQ/dt इक्वल टू, अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ms dT/dt, मुझे ये dT/dt निकालना है राइज इन टेम्परेचर, तो dQ/dt आपको पता है 8, मास कितना है 10, स्पेसिफिक कितना होता है 1, तो dT/dt, तो यहां से सॉल्व करोगे dT/dt क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर 0.8 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, ठीक है दिस इज द आंसर, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आया समझ में? ठीक है, तो आपका कैलोरीमीटर चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन।